राम जी, राम राम जी, ज्योति ब्लॉगर की राम राम। आप सब लोगों को मॉर्निंग का समय है और अभी हम थोड़ी देर पहले सोकर उठे थे, तो मैंने सोचा वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, आप लोगों से बात कर लेते हैं। तो एक आई ये देखिए कायरों को, ये ले रहा है कागज और खेल रहा है, और नीचे खड़ी हुई अपनी तो वो दिख नहीं रही है, मतलब अभी दिखा देती हूँ आप लोगों को। मैं देखो देखिए जिद कर रही है मम्मी मुझे भी गोदी ले ले। तो चलिए अभी हम लोग चाय पीने वाले हैं, तो आप लोग भी पी लीजिए। तो आज का व्लॉग मॉर्निंग से स्टार्ट हो रहा है। आ जाइए आप लोग भी पी लीजिए चाय। हमारी मम्मी पूछ रही है, पूछते नहीं आप किसी को, पूछते नहीं चाय पीना। पूछते नहीं, पूछते हो बेटे, चटनी उठा लो। अच्छा अवनू है। निकर तो पैर रहा, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर से पैर के रखा कर बुढ़ साइड। तो अभी चाय पानी वगैरह सब हो गया था और बच्चे खेल रहे थे, तो उसके बाद आ गई थी मैं यहाँ। मुझे लगा नहीं थी जिन्ने में झाड़ू, तो देखिए हाँ जब मैं से गई हूँ इस जिन्ने में झाड़ू नहीं लगी है, बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो अभी इसमें झाड़ू लगा लेते हैं। आप लोग सोचोगे कि ये भगोना क्यों ले रही हूँ मैं, तो शाम में मैं छत पर सोई थी, ये दूध का भगोना है, मतलब दूध पिया था रात को वहीं पर, तो ये भगोना जो था वहाँ रखा हुआ था। मैं अभी झाड़ू के साथ साथ इसे उठा लाई, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, बिल्कुल भी गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, तो मैं छत पर सो गई दोनों बच्चों को लेकर। तो अभी बस मेरी जिन्ने में झाड़ू लग चुकी है, गर्मी ने बहुत बुरी हालत कर रखी है, जितना सके दे इतनी गर्मी लग रही। आली इंगे मेरे दोनों बच्चे, मम्मी आ जा, मम्मी आ जा, और बड़े वाला बच्चा तो छोटा हो रहा है आजकल। तो अभी उसके बाद आप लोग देख सकते हो कायरव जो है इधर उधर चीज़ों को पकड़ कर खड़ा होने लगा है, और मैं बिछा रही थी बेडशीट, और अवनी को भी लगाया मैंने काम में, जो उसके भाई के छोटे छोटे नेकर रखे हुए थे उन सब की तय बना रही थी वो। इतना काम तो कर देती है मेरी बेटी कभी कभार, मतलब मुझे अगर मैं कुछ काम कर रही हूँ तो भाई को रख लेती है, उसके कपड़े उनकी तय बना देती है। तो वो मंडराता कायरू जो लग रहा था ड्रेसिंग में कभी बेड पे, और ये इसका खिलौना है जो मामा कैसे लाया है, कभी उसे लेकर खेल रहा था। तो कायरव जो है आज वो मेरी साथ साथ है, क्योंकि उसकी अम्मा जी भी अभी भी यहाँ नहीं है, कहीं बाहर को गई हुई है, और जो हस्बैंड है वो खेत में जा रहे हैं, खेत में अभी भी पानी चल रहा है, आप लोग समझ सकते हो इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है।
तो खेतों में सूखा आ रहा है, वो पानी चलाने के लिए जा रहे हैं। और इधर आप लोग सोचोगे मैं क्यों मुस्कुरा रही थी, तो पास वाली पड़ोसन बोल रही थी, उनके साथ मुस्कुरा रही थी, मैं बात कर रही थी। बस मैं उनको कैमरे में नहीं ला सकती तो मैं दूर से ही उनसे बात कर रही थी। कुछ लोग पसंद करते हैं अभी भी गाँव में, कुछ नहीं करते हैं। और साथ के साथ बर्तनों का धोवन धो रही थी, तो यहाँ पर कायरो बैठा हुआ था मेरी गोद में, तो इसको देखे कि कैसे तानियाँ चल रही है। मतलब मैंने इसको बैठाया भी तो उसने मुझे बर्तन साफ़ नहीं करने दिए, फिर गोद में लेकर ही करना पड़ा सारे बर्तनों का धोवन धुला, फिर से पानी लाई। अभी एक बाल्टी है, सोच रही हूँ कि प्लास्टिक की 2 बाल्टी और ले लूँ। आप लोग बताइए मैं सही बोल रही हूँ या गलत बर्तन साफ़ करने के लिए, तो मुझे राय दीजिएगा। मुझे अच्छा लगता है आप लोग राय देते हो, अवनी को लेकर कमेंट आते हो। देखिए मैंने आपकी बात पर ध्यान दिया है, और आप आज के व्लॉग में देखोगे अवनी शर्ट पहन कर रखी हुई है, बिना कपड़े के नहीं दिखेगी आप लोगों को कभी भी वीडियो में। मैं इतना ध्यान रखूँगी, आप लोगों को परेशान करना नहीं चाहती या फिर आप लोग गुस्सा हो मुझसे, ऐसा कोई इरादा नहीं है मेरा। के बाद ये जो बर्तन है ये मैं सारे बर्तन यहाँ से उठा लूँगी, और जो छोटे छोटे बर्तन हैं वो मैं बास्केट में लगा लूँगी, कटोरा कटोरी वगैरह ये सब, और ये कुकर जो है अंदर। तो मैं बड़े बड़े बर्तन जो हैं ये भगोने कुकर ये सब तो लगा देती हूँ बड़े वाले टोकरे में, जाली पर रखा हुआ है। और ये जो छोटे हैं बास्केट में लगा कर बाहर स्लिप पर रख देती हूँ। गैस को लेकर कमेंट आ रहे थे, तो गैस मैंने रूम में से निकाल ली है डियर, और बस मुझे स्लिप पर रखी थी, वो मम्मी ने फिर से कल नीचे रख दी। पता नहीं खड़े होकर उन पर काम नहीं होता है, और फिर वो नीचे ही रख लेती है 1-2 मिनट का काम के लिए भी, तो बार बार रखती हैं, मुझे बार बार ऊपर रखनी पड़ती है। तो मैं आज उसे ऊपर सेट कर दूँगी, मतलब नली जो है उसमें एक छेद करा कर रखा है स्लैब में, उसमें नली निकाल कर सेट करके रख दूँगी, बार बार उठाने से गैस में भी करके सामानों का सेटिंग। अभी उसके बाद यहाँ पर मैं लीपने लग गई थी चूल्हा, तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी मिट्टी डालकर रखी हुई थी, और बाल्टी में ले रही थी मैं पानी, तो मुझे चूल्हा लीपना था, तो इसकी राख तो मैंने निकाल दी थी, लीपे बिना रह रहा था। तो बस जैसे ही मैं इसे लीपने के लिए लगी तो कायरो जो है रोने लगा, फिर मैं उसको उठा कर लाई। अब उसे लेकर ही लीपना पड़ेगा बच्चे को लेकर, अब जब बड़ा होता जा रहा है, पहले तो मैं काम कर लेती थी, अब ज़्यादा बड़ा होता जा रहा है शैतान, और अब उसे लेकर काम करना मुझे भारी सा रहता है। पर क्या करूँ, मतलब सिमलता नहीं है हाथों पर, मतलब पानी खींचना या हाथ पर लेकर काम करना थोड़ी दिक्कत होती है। तो पर फिर भी वो रो रहा था, उसे लेकर ही मुझे चूल्हा लीपना पड़ा। बस इतना अच्छा तो नहीं लीपा जैसा तैसा भी लीपा लीप दिया मैंने, उन्होंने तो बिल्कुल कसम खा रखी थी नहीं बैठना। फिर बहुत मुश्किल से यहाँ पर प्रांत रखी हुई थी, उसके हिल्ला लगाया कि बस जो जरा मरस है उसे लीप दूँ। और अभी उसके बाद मेरा चूल्हा जो है जैसा भी लीपा है आप लोगों को दिख रहा है, इन्हें लीपने नहीं दिया, गोद में लेकर नहीं होता अब जा काम मुझसे। मैं भी एक तो मेरी जाड़ू उड़ पटी है, मैं भी थोड़ी कमज़ोर सी हो रही हूँ, दूसरा फिर बड़ा होता जा रहा है शैतानियाँ करता है। और अभी देखिए रोने लगा, बस 2 ही मिनट के लिए खेल रहा था अभी रोना शुरू कर दिया, फिर से गोदी लेना पड़ेगा। अवनी जो है सो रही है, और अम्मा जी को तो आप लोगों को बता ही चुकी हूँ घर पर नहीं है। तो अभी उसके बाद आ गए हैं हम चौकी पर, टूल पंप चला कर आए हैं, हमने बाल्टी धो लिया और पानी भर लिया उसमें, उसके बाद आई हूँ मैं यहाँ मशीन पर। तो ये जो मशीन पर जितने कपड़े रखे हुए हैं सब मैं उतार लूँगी, तो सारे इसमें ना सारे कपड़े जो हैं घर के हैं, मतलब नवे कपड़े नहीं हैं, नए कपड़े तो मैं बिल्कुल एक कपड़ा हाथ से धोऊँगी, और ये घर में पहनने के कपड़े हैं। बल्कि यहाँ एक चुन्नी है मेरी नवी ओढ़ने की, उसको भी उठा लूँगी। तो यहाँ पर है ना पता नहीं क्या मशीन पर जब भी यहाँ रखी रहती है लाल कीड़ी चढ़ जाती है, तो लाल कीड़ी चढ़ रही थी तो मेरे को लग रहा था कि मेरे हाथ वगैरह पर ना चढ़ जाए, क्योंकि हाथ पे चढ़ गई फिर जरा सा भी काट लेगी तो झल खड़ी हो जाएगी, और फिर कायरो भी था मेरी गोद में अगर गलती से उस पर चढ़ गई तो। यहाँ पर मैंने कपड़े धोने वाली मशीन जो है सुखाने वाली वो भी चेक कर रही थी, धोने वाली भी खोली मैंने, मशीन मैंने थोड़ी सी इधर को खींच लिया क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा नीचा सा हो रहा था, मिट्टी की वजह से पाइप की वजह से दिक्कत हो रही थी, तो यहाँ सेट कर लिया। और अभी इसमें जो कुछ कपड़े हैं वे भी निकाल लेती हूँ, तो देखिए कुछ तो मतलब आके मैंने इधर उधर से पड़े हुए थे वे छाटे, सोफों के एक आधा कवर उवर था, इसकी पजामी वजामी थी जो इधर उधर पड़ी थी गंदी हो रही थी,
मतलब थी तो रूम में ही पर पड़ी हुई थी, मतलब मैले पड़े हुए थे वगैरह तारी, तो मतलब इतने सारे कपड़े हो गए धोने के लिए बहुत सारे। तो मैं जो थी जब कपड़े धोने के लिए मशीन लगा रही थी, मैं पाइप जो है चला रखा था, पाइप उठा कर लाई हूँ और पहले अच्छे से बाहर से इसे साफ़ कर दूँगी पानी डालकर, क्योंकि इस पर लाल कीड़ी आ रही है, हाथ भी नहीं रखने देंगे। अंदर से थोड़ा पाइप मार देती हूँ और फिर उसके बाद मैं इसमें भर लूँगी पानी और बस जो है कपड़े धोने की मशीन जो है चालू करनी है मुझे। तो मैं मतलब एक कपड़ा छांट के डालूंगी, बच्चों के अलग, अपने अलग, राठी जी के अलग, और अलग अलग डालती हूँ सारे जनों के। तो बस अभी मशीन के तार लगाने हैं, तो मशीन की भी बहुत बड़ी समस्या है मेरे सामने। मैंने कई बार बोला कि यहाँ पर चूल्हे के पास मट्टी डाल दो, मैं यहीं थमले के पास मशीन स्टार्ट कर लूँगी, तो पता नहीं कब डालेंगे हस्बैंड मट्टी यहाँ पर। ये मैं सोचना कि बुराई कर रही हूँ, बुराई नहीं कर रही हूँ, काम नहीं, काम रहता है, टाइम कम लगता है। तो मैं सोच रही हूँ यहाँ मट्टी डाल देती हूँ, यहाँ एक बोर्ड लगवा लूँ बाहर थमले की साइड, जो बरामदे वाला थमला है पीछे आप लोग देख रहे हो। तो बताइए मैं सही बोल रही हूँ कि यहाँ पर मशीन रखने के लिए। तो अभी उसके बाद जो है मेरी मशीन चल रही है, कुछ कपड़े जो है मैंने हाथ से वॉश किए हैं, उनको मैं ना झकोल रही थी, तो ये अवनी का टॉप था, मैंने हाथ से धोए हैं, ये मैंने कुछ देर पहले भिगो कर रख दिए थे, फिर टप में जो है ये एक भर के धो चुके हैं मशीन में, और जो कुछ और है वो पड़े हुए हैं। और जो हमारे बिल्कुल न्यू कपड़े हैं, मतलब जो हम घर से पहन कर आए थे, वो 2 दिन से उन्हें धोने का टाइम नहीं लगा, और एक दो जो है न्यू, तो उन सबको जो है ना मैं हाथ से धोऊंगी। वो मैंने अभी बेड पर रखे हुए हैं अंदर, बाहर लेकर भी नहीं आई हूँ मैं, क्योंकि मुझे उन्हें साफ़ कर धोना है, तो मैं उन्हें बाद में उठा कर लाऊँगी। यहाँ इनको ऐसे कपड़े में रख कर कभी कलर वगैरह चढ़ जाए, और फिर ये हम बाहर भी नहीं रखते, तो यहाँ पर वैसे ही मैले कपड़े रखे हुए हैं। तो अभी उसके बाद ना मैं तार पर कपड़े फैला रही थी, तो दो मेरी टी शर्ट है, कायरो की पजामी है, कायरो का कुर्ता है, मेरी सलवार है, तो ये सब चीज़ें मैंने फैलाने शुरू कर दिए हैं। कपड़े कुछ इधर फैला दिए, आप लोग सामने देख सकते हो नील वगैरह के, जिनमें नील देना था, और अभी कुछ मेरे इसमें और पड़े हुए हैं, तो मैंने सुखाने वाली मशीन में सुखाए हैं, क्योंकि शाम का समय हो रहा था, जब फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाता, तो इसलिए मैंने ये जो है मशीन में सुखा लिए, सूख जाएंगे ये आराम से। सवाल आ रहे थे मुझसे बहुत सारे कि दीदी आपके पास गोल्ड की एयरिंग्स नहीं है, गोल्ड की कोई भी चीज़ नहीं है। आप लोग मेरी भाभी से भी इतने सारे सवाल कर रहे थे कि आपके पास, आपने अपनी नंद को गोल्ड की चीज़ें नहीं चढ़ाई, तो ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, दी है। तो आप लोग समझ सकते हो मैं गांव से ब्लेम करती हूँ, गांव के लोग ये सोने की गोल्ड की कोई भी चीज़ घर पर नहीं रखते हैं, बैंकों में तिजोरी में रखते हैं, सेफ रखते हैं, गाँव का मामला है। गाँव में अक्सर चीज़ें चोरी हो जाती हैं, क्या होता है शहरों में भी होती है, ये नहीं, गाँव में तो पशु भी चोरी हो जाते हैं दिन में, मतलब गर्मियों के टाइम में बाहर बांध देते हैं तो पशु भी चोरी हो जाते हैं, तो थोड़ा मतलब सेफ्टी रखनी पड़ती है हम गाँव के लोगों को। ये तो सभी जगह होती है वैसे, पर डर लगता है, ऐसी चीज़ें घर पर नहीं रखनी चाहिए। तो आप लोगों की विशेष वो आ रही थी मुझसे कि प्लीज़ दिखाइए दिखाइए, तो आप लोगों के लिए मैंने ये लॉकर से मंगाई और आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो देखिए ये मेरी शादी की इयररिंग्स है, रिंग है, मतलब जो शादी के टाइम में मुझे मेरे हस्बैंड ने पहनाई थी, अंगूठी की रस्म होती है उसमें, और ये रहे मेरे गोल्ड के इयररिंग्स, आप लोगों की अब शंका नहीं रहेगी। ये मेरे मतलब भैया भाभी मम्मी पापा कुछ भी मान लो, उन्होंने मुझे शादी के टाइम पर दिए थे, तो मैं नहीं पहनती हूँ, मेरे कान पक जाते हैं और फिर मुझसे चीज़ें खो जाती हैं, तो कितनी बार मुझसे बहुत नुकसान हुए हैं, मुझ पर पता नहीं क्या बात है, एक जोड़ी इयररिंग्स और थे वो मुझसे खो गए, उनका बहुत दुख हुआ मुझे, मतलब तो तब से मेरा डर, मेरे को डर लगता है कि मैं सोने की चीज़ पहन लूँ और वो खो जाए, तो देखिए 1-2 रुपये की तो नहीं बनती है, तो इस वजह से मैं नहीं डालती हूँ। और दूसरी बात, कान पक जाते हैं, तो आप लोग बोलते रहते हो कि सोने का डर लग रो, तो जब हमसे कोई नुकसान हो जाता है तो हमारे मन में बस एक डर बैठा रहता है कि कहीं फिर से ना खो जाए, फिर से ना नुकसान हो जाए, तो बस मैं इसलिए डरती हूँ। और अभी आप लोगों को दिखा देती हूँ मैं कायरों के छोटी छोटी चीज़ें, वैसे कुछ लोगों ने देख रखी है, एक चीज़ ही दिखाऊँगी मैं, गोल्ड का दिखाती हूँ बस, और बाकी है ना मेरी जो पिछली वीडियो आप उनमें देख सकते हो जब ये कायरा हुआ था, और ये ओम है, जिन लोगों ने देखा उनको तो पता है मेरी भाभी ने दिया था कायरों का। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग उनसे सवाल करते हो आपने अपनी नंद के लिए कुछ नहीं किया, तो उनसे सवाल करना बंद कर दीजिए, उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, ये बात सही है। कुछ चीज़ें कैमरे के सामने फेस कर सकते हैं, कुछ चीज़ें नहीं दिखा सकते हैं, हर चीज़ कैमरे में नहीं ले जाती है, उनकी बात अपनी जगह बिल्कुल सही है। तो और ये उसका ढोलना है, और ये जो अंगूठी आप लोग देख रहे हो ये मेरी चांदी की अंगूठी है, ये भी मैंने घर रख रखी थी, पहनी नहीं थी, अब मैंने पहन के जाऊंगी, मैं अक्सर चीज़ें भूल जाती हूँ तो मुझे ये याद नहीं थी, ये यहाँ रखी हुई है और मम्मी ने दी है कि तेरी गुंठी रखी हुई है, मैं भूल जाती हूँ, और फिर मुझसे आधी चीज़ें मेरी क्यों खोती हैं,
मेरा जो लफ्स आवाज है ये वीडियो में चल रहा है। आधी चीज़ें मुझसे क्यों खो जा वो मतलब याद नहीं रहती। मेरे जो एयर रिंग्स है वे खो गए थे मुझसे, तो मैं उनको ना पॉकेट में धर दिया और फिर मुझे वो नहीं पाए, खो गए घर में ही। तो पायल अगर बाहर फिर भी पायल निकल गई तो चांदी सोने के बहुत नुकसान हुए मुझसे। इस वजह से मैं कोई भी चीज़ मतलब पहनते हुए डरती हूँ, बस ये रीज़न है। वरना है मेरे पास और भी चीज़ें हैं, वो मैंने बैंक में सेफ करवा रखी हैं। बस ये भी आप लोगों को ज़्यादा कमेंट आ रहे थे आप लोगों के, दिखाओ, तो इसलिए मैंने आप लोगों को मंगा कर दिखा दिए हैं। तो चलिए बस इतनी सी ही बात करनी थी मुझे आप लोगों से। अब मैं आपसे थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ। इस वीडियो का यहीं पर एंड कर देती हूँ और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब, मुझे कमेंट। तो आप लोगों से मैं एक बात करना चाहती हूँ, तो गोल्ड को लेकर काफ़ी सारे कमेंट थे, तो इसलिए मैंने गोल्ड की जो चीज़ें हैं वो कुछ आप लोगों को दिखा दी हैं कुछ हद तक। तो देखिए मैंने वहीं पर लॉकर में रखे हुए हैं मायके में ही, मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि यहाँ पर रखे हुए हैं, तो वहीं से दिखाई है तो वहीं रखी हुई है। और एक बात बोलना चाहती हूँ, तो देखिए ससुराल वालों ने ज़्यादा चीज़ें नहीं चढ़ाई, क्योंकि भाभी ने आप लोगों को बताया था पापा जी बीमार थे, मम्मी ने अकेले ही घर बनाया, शादी करी, तो बहुत सारी समस्याएं होती है आदमी के सामने जब अकेला करता है, तो उसको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो उन्होंने इतना सब कुछ अकेले ही किया, तो इतना ज़्यादा कुछ नहीं वो मुझे दे पाए, पर जो भी दिया है मेरे लिए काफ़ी है। देखिए सोना चांदी हीरे जवाहरात कुछ नहीं होता, रिश्ते और प्यार ये सब कुछ होता है। आप लोगों से ही सीखा है मैंने, आप लोगों ने मुझे बताया है कि सबसे पहले रिश्ते होते हैं और रिश्ते ज़रूरी होते हैं निभाने। तो इतने सारे सोने की चीज़ें मेरे ऊपर चढ़ाई ससुराल वालों ने, तो देखिए क्या चढ़ाया ससुराल वालों ने आप लोगों को बता देती हूँ। तो एक तो एयरिंग है और एक और है, बस दो चीज़ें हैं ससुराल के ऊपर जो मैं आप लोगों को फिर कभी दिखाऊँगी, और कुछ भी नहीं है ससुराल वालों का। तो जैसा हिसाब था उन्होंने वैसा ही चढ़ा दिया, और मायके वालों को एक बात कर नहीं पता था कि वो कुछ ज़्यादा कुछ नहीं देंगे, तो जैसा उनसे बना उन्होंने कर दिया। तो बस आप लोगों से इतनी ही सही बात करनी थी। आप लोग कमेंट कर रहे थे कि दीदी आपने कहा था कि गोल्ड की वीडियो है, भेजोगे कब? तो देखिए आज मैं आप लोगों के साथ यही गोल्ड की वीडियो शेयर कर रही हूँ। आप लोगों के बार बार यही कमेंट थे कि आप सोने के क्यों नहीं पहनते, तो रीज़न भी मैंने आप लोगों को पीछे बता दिया है। तो मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा। आज बस आप लोगों से ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।